भारतवर्ष की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे तथा पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में 21 बाइक, 42 बाइक राइडर्स व 3 बोलेरो फोर व्हीलर को महानिदेशक गुजरात पुलिस व प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती आश्रम से नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया था, जो दाहोद स्टेशन से होते हुए दूसरे पड़ाव में इंदौर आई। बुलेट बाइक रैली का इंदौर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। इंदौर रेलवे स्टेशन पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बुलेट रैली का फूलमाला के साथ भव्य स्वागत व फ्लैग ऑफ किया गया। स्वागत समारोह के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंदौर स्टाफ, स्थानीय समाज सेवक तथा अन्य रेल अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, देश की 75वीं आज़ादी के ऊपर आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो इससे हम जो पश्चिमी रेलवे है इसमें तरह तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इसमें एक बाइक रैली भी एक पार्ट है। हमारे जो आरपीएफ के जवानों द्वारा साबरमती से 18 जुलाई को बाइक रैली दाहोद होते हुए इंदौर आज पहुंची है, और इस तरह से ये जो बाइक रैली है इसमें 50 से ज़्यादा बाइक राइडर्स हैं, और ये क्या है कि पूरी तरह से एक देश का जज्बा, सम्मान और तिरंगे का सम्मान के लिए इस तरह की जो ये आयोजित की गई है। तो हमारे यहाँ इंदौर पे आने पे पूरे जो आरपीएफ के जो लोग, आरपीएफ के जो कर्मचारी, आरपीएफ के ऑफिसर्स और स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी ने उनका भव्य स्वागत किया, और आम जनता ने उनको सल्यूट करके और पूरी तरह सम्मानित किया। और ये अभी क्या है कि हमारे यहाँ से उज्जैन और कोटा होके और दिल्ली 15 अगस्त तक पहुँच जाएगी।